तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक दी। मुझे अगर आप वो ट्रोकस 450 को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए इस हेडफोन के रिगार्डिंग, सो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस हेडफोन को मैं सिंस 2 या 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और हर एक पॉइंट को आज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी बैटरी लाइफ, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, सारे पॉइंट को आज हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे होंगे और वीडियो एक मतलब कि ऑनेस्ट ओपिनियन होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर पहले पॉइंट के बारे में आते हैं तो वह है इसकी बिल्ड क्वालिटी। सो बिल्ड क्वालिटी से रिगार्डिंग मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा रफली यूज़ किया है, यहाँ तक कि इसके मतलब कि मैंने बहुत सारे हेडफोन्स में देखा कि उसके मार्क वाग यानी कि जो ब्रांडिंग है वो सब निकल जाती है। उल्टा मैंने इसको बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करके भी देख लिया है। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मतलब कि इसके कुशंस भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब कंफर्टेबल के लेवल की बात करते हैं, सो गाइस ये एक अच्छी चीज़ दिया है कि इसमें आपको एक्सटेंडेबल देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप मतलब कि हर एक हेड में फिट हो जाता है। मैं यूज दिखाता हूँ, जैसे मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है लेकिन क्या परफेक्टली फिट हो जाते हैं। सो एक्सटेंडेबल है तो मतलब कि नॉर्मली हर एक को फिट हो जाना चाहिए। कुशंस के बारे में बात करते हैं, कुशंस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मतलब कि जो आप सुन रहे हैं उसको बाहर वाले को सुनाई दे कि आप क्या सुन रहे हैं। सो बिल्ड क्वालिटी एंड कम्फर्ट लेवल इज़ बेस्ट। और जो ये यहाँ पर जो मेटेलिक दिया हुआ है मतलब लोगों वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लुक इसमें प्रोवाइड करता है। सो इसका ब्लैक टच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें बाकी कलर भी ऑप्शंस आते हैं। सो अगर आपको इसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है सो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, मैंने अनबॉक्स कर दिया। तो उसमें सारी चीज़ें इसमें मतलब सारी डिटेल्स बताएं कि हम लोग क्या क्या मिलता है। सो लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रफली हर एक पॉइंट को बता दूंगा। सो एक हेडफोन हम लोग बाय करते हैं उसकी साउंड क्वालिटी के लिए, और मैं बता रहा हूँ गाइस कि मैं इसको 2 या 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। सो जिस प्राइस पॉइंट में ये हेडफोन हम लोग को ऑफ़र या फिर हम लोग को मिलता है उस प्राइस पॉइंट में इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं फील होगी कि अगर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम कर लेते हो, कभी कभी होता है कि हमारे ईयरफोन जो होते मतलब ईयर्स जो होते हैं वो दुखने लगते हैं, लेकिन इस हेडफोन के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चाहे जितना हाई वॉल्यूम में आप इसको लेकर के जाएं, आपको ये हेडफोन जो है कभी भी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखने को मिलेगा। सो अगर आप इसको साउंड क्वालिटी के बेसिस में जज कर रहे हैं तो यार अगर इस हेडफोन को बाय करना है सो गो फॉर इट। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसकी साउंड क्वालिटी से रिलेटेड। अगर मैं कुछ फीचर्स इसके बारे में बता देता हूँ, सो आपकी इस हेडफोन में शायद आई थिंक दिख रहा हो आपको 3 बटन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाता है, ऑक्स केबल देखने को मिल जाता है और माइक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक LED फ्लैश लाइट है जो कि आपको बताता रहता है कि आपका हेडफोन चार्ज है या फिर कनेक्टेड है या फिर नहीं है। सो एक ही साइड आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड माइक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं लास्ट में इसको आपकी माइक क्वालिटी भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। इस हेडफोन की मुझे कुछ खास बात लगी, जैसे कि इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है प्लस सीरी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं इसका गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। अगर आप मिडिल बटन को मतलब कि थोड़ी देर तक प्रेस करके छोड़ देंगे तो आपको गूगल असिस्टेंट अपने आप ऑन हो जाएगा। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, अगर आपको ये यूज़ करना है सो आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। अगर हेडफोन की बैटरी बैकअप के बारे में बात करता हूँ तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं इसको चार्ज करने बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमारा, तो 40 to 50 मिनट से फुल चार्ज हो जाता है। और मैं इसको एक बार चार्ज कर ले तो मैं कम से कम 4 से 5 दिन तक तो बहुत आराम से यूज़ करता हूँ। हालांकि मेरा कंजप्शन बहुत कम है, मैं ज़्यादातर ईयरफोन्स को मतलब वायर्ड ईयरफोन्स को यूज़ करता हूँ, लेकिन तब भी मैं इसको दिन में 2 से 3 घंटे यूज़ करता हूँ तो मुझे 5 से 6 दिन आराम से ये निकाल करके दे देता है। प्लस मेरी सिस्टर भी इसको यूज़ करती है। सो अगर आप इसका मतलब कि ऑन पेपर इसकी बैटरी बैकअप जानते हैं तो ये कह रहे हैं कि 10 घंटे का इसका प्लेबैक टाइम है, और लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये आपको 6 से 7 घंटे आराम से निकाल करके दे देता है। और 40 से 45 मिनट फिर से इसको चार्ज कर दीजिए, फिर से 6 से 7 घंटे आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला चाहिए तो मैं सजेशन करूँगा, अगर थोड़ा पैसा अगर आप और इन्वेस्ट कर देंगे तो बोट रॉकर्स 510 जो है वो आपके लिए अच्छी चॉइस है, क्योंकि उसमें आप 10 से 12 घंटे का भी बैकअप निकाल सकते हैं। सो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप उसको देखिए। बात करते हैं कि आपको किस प्राइस पॉइंट इसको बाय करना चाहिए। मैंने इसको बाय किया था 1500 रुपीज़ में, लेकिन ये जो फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डेज सेल आई थी वो अंडर 1000 मतलब अराउंड 900 रुपीज़ के आसपास ही ये हेडफोन मिल रहा था। तो अगर आप सेल का इंतजार कर सकते हैं तो गाइस आप इसको 1000 के अंडर बाय करेंगे तो इससे अच्छी वैल्यू ऑफर करने वाला हेडफोन कोई भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको अभी भी चाहिए तो 1500 रुपीज़ में कोई बैड डील नहीं है, आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। इनबॉक्स में बता देता हूँ कि आपको एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाएगी, एक माइक्रो यूएसबी की डेटा केबल देखने को मिल जाएगी और
इसमें आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिला है। तो वारंटी कार्ड अगर आप ले रहे हैं तो संभाल के रखिए, इससे आप 1 ईयर की वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं उस कार्ड के थ्रू। सो जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं वो हेडफोन के माइक के थ्रू इसमें रिकॉर्ड हो रही है। सो आपको इस हेडफोन में लेटेंसी भी बहुत कम देखने को मिल जाती है। अगर आप इसको गेमिंग के पर्पज़ से भी लेना चाहते हैं तो गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छी चॉइस है ये हेडफोन। यही था एक ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आपको ये ओपिनियन कैसा लगा या फिर मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि तुमने ये चीज़ें मिस की, तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में ही थोड़ा क्लेरिफाई कर दूँगा। अगर मैं मतलब कि एक समरी देता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं जिस प्राइस पॉइंट में ये हेडफोन आपको मिलता है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, मेरी तरफ से थम्स अप है क्योंकि ये हेडफोन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।